हेलो सभी को गुड इवनिंग। एक बार मुझे ये क्लियर कर दें कि मेरी आवाज आ रही है और आपको जो स्लाइड दिख रही है या नहीं एक बार। हाँ, अगर आप बताओगे तो ये अच्छा रहेगा। हमारे साथ 47 लोग जुड़ चुके हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मतलब इस समय आप ये समझो कि सोलर ग्रुप हम कह सकते हैं कि छाया हुआ है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो भी परियोजना आपको नजर आए, जो पास है, जो आपको लगे कि ये सफल होने वाला है, तो आप उस पर थोड़ा सा बस फोकस बढ़ा दो। और अगर फोकस बढ़ा देते हो तो ये आगे के लिए पछतावा नहीं रहेगा कि यार पहले से देख लेते, थोड़ा फोकस कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। तो इसी के साथ हम लोग बस जस्ट 1 मिनट में ही स्टार्ट करने वाले हैं। जो आप सामने स्क्रीन पर एक स्लाइड देख रहे होगे, ये पहले केवल और केवल 3D में था। मतलब जब मैं लोगों को इसके बारे में बताता था, जब मुझे इसके बारे में पता चला था, तो उस समय एक बात बोली जाती थी कि चूंकि स्काईवे की शुरुआत हुई थी प्री आईपीओ को लेकर के, उसके बाद 2017 में सोलर ग्रुप की शुरुआत हुई थी लगभग प्री आईपीओ को लेकर के, तो लोगों का ये मानना रहता था कि सोलर ग्रुप एक ऐसी साइट है जो केवल पैसा ले रही है, और पैसा ले रही और कुछ भी दिख नहीं रहा कि उसमें क्या है और क्या नहीं। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता था। लोगों को लगता था कि ये केवल एक ऐसी साइट है जो पैसा ले रही है और लोग फर्जी में अपना पैसा डालते जा रहे हैं। तो जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये आपको सामने लिख रहा होगा निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य। तो जो भी पैसा सोगल मास या सोलर ग्रुप के जरिए आपने इस कंपनी में दिया है, उससे ये एक कंपनी बनाई जा रही है, उससे ये एक सोगल मास केंद्र बनाया जा रहा है, ये एक फैक्ट्री बनाई जा रही है जहां पे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होगा। कब होगा हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सवाल ये आता है कि जब ये केवल ऐसे पहले बताया जाता था, जब पहले बताया जाता था, तो लोगों को लगता था कि पता नहीं ऐसा सच है भी या नहीं है, और ये क्या है, ये तो एक 3D प्रिंटिंग है। बिल्कुल सही बात है, ये 3D है। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि सबसे पहले 3D में ही होता है, एक नक्शा बनाया जाता है, उस नक्शे को 3D में अपडेट किया जाता है, और उसके बाद उसे वास्तविकता में बनाया जाता है। तो जो आपने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो मैंने जो शेयर की थी, आप सभी लोगों ने जो वीडियो देखी, अब ये पूरी तरह से हकीकत में आ गए। लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था। जो सोगल मास परियोजना है, जहां पर सोगल मास का जो केंद्र कह सकते हैं, जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री इस जगह में है जो आप देख पा रहे होंगे, 2.1 हेक्टेयर, निर्माण प्रारंभ 2020 की तिमाही, दूसरी तिमाही। मतलब इस जगह में जो ये जो आपको जगह दिख रही है, जहाँ पे पूरा जंगल दिख रहा है, पूरा पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, और इधर भी देखो कुछ भी नहीं है जहाँ मेरा एरो जा रहा है, और इधर पे ये सिर्फ एक बिल्डिंग दी जा रही है, एक बिल्डिंग। लेकिन अगर आज आप वहीं पर देखोगे तो ये इसका भी निर्माण हो चुका है, जो आपने अभी वीडियो में देखा वो इसी जगह फैक्ट्री है। बिल्कुल। तो शुरुआत में ये सब नहीं था, जैसे मैंने जो बताया कि ये स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था 2020 की तिमाही में। जो आप सभी लोगों ने सोलर ग्रुप कंपनी में पैसा निवेश किया है, उससे ये इस जमीन पर फैक्ट्री तैयार हो रही है। लेकिन आप सोच के देखो, ये काम कब हो रहा है, 2020 में हो रहा है, लेकिन कंपनी ने क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा लेना कब स्टार्ट कर दिया था, 2017 में। तो जो 2017 में किया था, तो 17-1 यानी कि 17, 18, 19, 20, लगभग लगभग 3 से 3.5 या 4 साल कह लो, उस समय कंपनी के पास कुछ भी नहीं था। कहने का मतलब है कि वास्तविक रूप में, हकीकत में कुछ था ही नहीं कि क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। लेकिन फिर भी हमने और आपने और सभी ने इस कंपनी पे विश्वास किया और इसमें निवेश किया। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं ये इस तरीके से बन चुकी है। हालांकि ये भी 3D में है, लेकिन अगर आप इस जो अभी आप मैंने जो वीडियो शेयर किया था, तो ये पूरी तरह से इसी तरीके से दिखता है, यानी कि वो पूरा बन चुका है। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के हम आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, जो सोलर ग्रुप और सोगल मास, यानी कि सब कुछ हम आपको क्लियरली बताएंगे। उससे पहले मैं सभी को अपने बारे में बताना चाहता हूँ, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या जो लोग मुझे बार बार देख चुके हैं। मेरा नाम फैजान है और मैं MLC इंजीनियरिंग में नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यानी वो भी एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट है, और मैं कानपुर इंडिया यानी कि कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा फोन नंबर है, नीचे जीमेल आईडी है, और ये कंपनी की साइट।
तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कोई भी सवाल भी आप करना चाहो, ये मेरा नंबर है, इसको आप सेव कर सकते हो, और लगभग लगभग मेरा नंबर सभी के पास है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोविल मास टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि दुनिया में आज तक जितनी भी इंडक्शन मोटर है, जितनी भी पूरी दुनिया में मोटर है, आप ये मानो कि जो सोलर ग्रुप ने, यानी कि जो सोविल मास ने ऐसा कर दिखाया है, जो हम आपको आगे पूरी पूरी तरह से शेयर करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई आपने एक पहली बार एक ऐसी कंपनी में निवेश किया है जो हकीकत में है। देखो, जितनी भी कंपनियां हैं जो अलग अलग तरीके से लोग उसमें निवेश कर रहे हैं, क्वाइन, टोकन वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आपने सोलर ग्रुप यानी सोविल मास कंपनी में निवेश किया है, तो आप एक असली प्रोडक्ट में निवेश कर रहे हो। आप एक असली प्रोडक्ट में निवेश कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? असली प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको बिल्कुल न्यू से लेकर के आगे तक दिखेगा, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस स्लाइड पर, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करने की भी जरूरत है। जो स्लाइड में है वो समझना, और उसको समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए मैंने भी जो स्लाइड को बनाया है, इसको मैंने पहले खुद भी पढ़ा है, और मैं आपको सिर्फ ये पढ़ के ही बताऊंगा, आपको इतने में समझ में आता जाएगा। तो प्रोजेक्ट विनोब की मोटर है, विश्व बाजार पर सर्वांकिया कंबाइंडिंग बाइंडिंग प्रौद्योगिकी को प्रमोट करने और व्यावसायिकीकरण करने के उद्देश्य से बनने वाला एक प्रोजेक्ट है। प्रौद्योगिकी नई पीढ़ी की इलेक्ट्रिक मोटर को विकसित करना संभव बनाती है। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सोविल मास टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी नई पीढ़ी के इलेक्ट्रिक मोटर्स को विकसित करना संभव बनाती है। प्रौद्योगिकी के निर्माता रूसी विकास इंजीनियर मिस्टर दिमित्री डोनोव है। दिमित्री डोनोव कौन है? जो सोविल मास कंपनी के फाउंडर है, जो सोविल मास कंपनी के इंजीनियर है, जो सोविल मास कंपनी को बनाने वाले, उनके ही माध्यम से इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा है। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सभी लोग सोचते हैं कि हाँ, सोलर ग्रुप क्या है, सोविल मास क्या है, तो ये सब चीज अगर आज आज आप समझ जाते हो, तो देखो, टेक्नोलॉजी को समझने में एक खास बात क्या है कि अगर आप उसे समझ जाओगे, तो आप निवेश कर भी सकते हो, निवेश बढ़ा भी सकते हो। और अगर आपको मेरे बताने से या खुद के रिसर्च करने से एक अंतर मिलता है, यानी कि ये परियोजना इस वजह से फेल हो जाएगी, तो आपका जो निवेश कर रहे हो, समझने के बाद वो निवेश आपका जो पैसा है वो बच भी जाएगा। यानी कि हो सकता है मुझे समझ में ना आ रहा हो सकता है जो और निवेशक हैं, और बड़े बड़े हम कह सकते हैं कि जिन्होंने बड़ा बड़ा फंड निवेश किया है, महान हस्तियां, तो अगर उन्होंने निवेश किया और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये इस वजह से फेल हो जाए, या कुछ भी पॉइंट नजर नहीं आया, और रिसर्च करने से, समझने से अगर आपको वो पॉइंट समझ में आ गया, तो आपका हो सकता निवेश करने और लॉस होने से पैसा बच जाए। कहने का मतलब ये है कि समझना जरूरी है, निवेश एक दूसरी चीज होती है। तो आज हम आपको यही सब चीजें बताने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट 3 कंपनियों द्वारा विकसित किया जा रहा है। जो सोविल मास परियोजना है वो 3 परियोजना के द्वारा विकसित किया जा रहा है। सोविल मास ओ, सोविल मास एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो पेटेंट सलवांकिया तकनीक के आधार पर हाईटेक इलेक्ट्रिक मोटर विकसित कर सकती है। सलवांकिया क्या है? पूरी दुनिया में आज तक, मतलब लगभग अगर हम 60 वर्षों का इतिहास को निकाल लें, पूरी दुनिया में जितनी भी मोटर है, जितनी भी इंडक्शन मोटर है, वो या तो वो स्टार वाइंडिंग पे आधारित है, और या तो वो डेल्टा वाइंडिंग पे आधारित है। कहने का मतलब क्या है कि स्टार या तो है और या तो डेल्टा है, लेकिन जो रूसी इंजीनियर जो मिस्टर दिमित्री डोनोव है, इन्होंने इसको कंबाइन करके, जिसका नाम दिया गया है सलवांकिया, जिसपे उन्होंने अपने नाम का पेटेंट भी प्राप्त कर रखा है, जो केवल और केवल उन्हें ही अधिकार देता है इस तरीके की मोटर बनाने और विकसित करने और मैन्युफैक्चरिंग करना और मार्केट में उतारना। तो कहने का मतलब है, पूरी दुनिया में इनके जैसी मोटर कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि आज से पहले, यानी जब से इन्होंने अपने नाम पे पेटेंट बनाया, या इन्होंने ये टेक्नोलॉजी
पेटेंट अपने नाम किया या टेक्नोलॉजी विकसित की, उससे पहले इस तरीके के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बड़ी से बड़ी कंपनी को ले लो, बड़ी से बड़े आविष्कारक को ले लो, ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं। मतलब जो भी मोटर बन रही, स्टार डेल्टा अलग अलग बेसिस पे, किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं क्या इसको हम कंबाइन करके भी इससे बेहतर बना सकते हैं। तो ये तो हो गया सोविल मास। फिर दूसरा है ASIPP, जो कि है OOOASIPP, एक शोध और उत्पादन यानी कि उद्योग है जो कंबाइंडिंग बाइंडिंग तकनीक सलवानकिया का निर्माता भी है, ये जो कंपनी है, और धारक यानी कि 40.5% की हिस्सेदारी सोविल मास के सह संस्थापक यानी कि जो ASIPP है इसके पास कितनी हिस्सेदारी है, इसके पास है 40.5% की। जो सोलर ग्रुप है इसके पास कितनी हिस्सेदारी है, 49%। अब सोलर ग्रुप क्या है, सोलर ग्रुप केवल एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कंपनी है, फाइनेंस से रिलेटेड एक कंपनी है जो स्टार्टअप प्रोजेक्टों को फंडिंग देती है। अभी हम उसके बारे में भी बताएंगे कि आज सोलर ग्रुप सोविल मास को पैसा दे रहा है, कल को जब पूरा हो जाएगा फंडिंग ये किसी और के लिए करे। लेकिन इसमें भी आपकी इच्छा होगी कि फिर आप इन फ्यूचर सोलर ग्रुप के साथ जाओ या सोविल मास में ही अपना निवेश को बरकरार रखो। तो अंतरराष्ट्रीय कंपनी 49% हिस्सेदारी के साथ सोविल मास के संस्थापक हैं, यानी कि सोलर ग्रुप के पास 49% की हिस्सेदारी और 40.5% की हिस्सेदारी इसके पास, और बाकी का जो है वो सोविल मास, यानी कि अभी हम विस्तार में उसको लेकर के चलते हैं। इस लोगों को लगता है कि अगर सोलर ग्रुप पे मतलब मेरा निवेश सोवल मास में जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक मोटर में जा रहा है, मिस्टर दिमित्री ड्यूनोव के अंतर्गत काम करने वाली कंपनी में जा रहा है, तो सोलर ग्रुप के मैं शेयर क्यों लिए बैठा हूं। और इन फ्यूचर अगर ये नकार दें, इन फ्यूचर अगर ये मना कर दें कि नहीं हमारा तो आपके साथ कोई संबंध नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, और जब आप उस प्रोसेस को समझोगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्या है। अगर हम ये बोलें कि ये कल को नकार देंगे, तो ये तो बात वही हुई कि बैंक में हमने पैसा जमा किया और फिर निकालने गए, उसने कहा कि आपका पैसा तो हमारे यहाँ है ही नहीं, हम तो भूल गए। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पूरी तरह से कानूनी होती हैं। तो प्रोजेक्ट की ग्रुप ऑफ कंपनीज, अगर आप ये इसको देखोगे और ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, देखो आपका पैसा लग रहा है, तो अगर आपको पैसा लग रहा है तो आप अपना थोड़ा सा भी अगर दिमाग खर्च करते हो, तो या तो आप और ज्यादा पैसा निवेश करके, यानी कि अगर आपको असली लगेगा, जाहिर सी बात है आप हिस्सेदारी बढ़ाओगे। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको समझ में आया कि ये काम नहीं करेगा तो आपका पैसा बच जाएगा, इसलिए जिस भी कंपनी में निवेश करो उसमें रिसर्च करते रहो, उसकी जानकारी लेते रहो। और निवेश करने से पहले रिसर्च और जानकारी एक अलग बात होती है, निवेश करने के बाद भी आपको रिसर्च और जानकारी लेते रहना चाहिए। तो क्या है कि 40% की जो फंडिंग है मोटा मोटा अगर हम बताएं ASPP के पास है, और 10.5% प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के पास है, और 49% की जो हिस्सेदारी है वो सोलर ग्रुप के पास है। देखो आज जो मीटिंग हो रही है उसका मकसद है कि आपके सभी सवालों के जवाब, यानी कि आपको हर एक चीज पता चल जाएगा। तो अब बात आती है कि ये तो हो गया ठीक है, ये तो मैंने साइट पे देखा था, ये तो उन्होंने बताया था, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब बात आती है कि जो इस प्रोजेक्ट का इंजीनियर है, यानी कि जो इस प्रोजेक्ट का निर्माता है, सोविल मास को जो बनाने वाला है, वो खुद अब आपको ये बताएगा कि किस तरीके से हिस्सेदारी सभी में विभाजित है। वन सेकेंड, कि किस तरीके से हिस्सेदारी विभाजित है, हम आपको अभी ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक एक आयताकार, एक गोलाकार, मतलब वो बना हुआ है एक डेमो के रूप में कि विभाजित किसके पास कितना परसेंट की हिस्सेदारी है। तो अब हम ये चूंकि रसिया में लिखा है आपको भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा चूंकि हिंदी ट्रांसलेट। तो ये जो आप मेरा एरो देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सोविल मास का विकास, यानी कि सोविल मास की कितने परसेंट हिस्सेदारी किस किस के पास है। जहां पे एक बड़ा भाग दिख रहा है 49%, 49%, ये पूरा गया है सोलर ग्रुप के पास। उसके बाद ये जो 5% है, ये 5% है इवानोव ASA, यानी कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इनके पास 5% की हिस्सेदारी है सोवल मास में, यानी कि 49 तो ये हो गया सोलर ग्रुप, अब 51 बचा, तो 51 किसके पास है, 51 है सोवल मास के पास। तो 51 कैसे विभाजित, 5% तो हो गया इवानोव ASA यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है,
उसके बाद जो याकोल्व आईएन, अभी हम आगे उनके बारे में भी बात करेंगे कि वो कौन है, वो कंपनी के सीईओ हैं सोविल मास के, ये तो इंजीनियर हो गए, वो सीईओ है, उनके पास भी 5% की हिस्सेदारी है। इसके बाद हम बात करते हैं डुइनोव दिमित्री, डुइनोव दिमित्री ये जो प्रोजेक्ट के हम कह सकते हैं कि इंजीनियर हैं, ये इस टेक्नोलॉजी के निर्माता हैं, इस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले हैं, इनके पास भी 5% की हिस्सेदारी है सोविल मास की। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो नीचे 5% है, ये इनके बेटे के पास, जिनका नाम है डुइनोव ईडी, यानी कि ये थोड़ा सा शॉर्ट में दिया जा रहा है, जो कि इनके पुत्र है, उनके पास 5% की हिस्सेदारी है। फिर जरीना टीएन, जो कि उनके पास 0.5% की हिस्सेदारी है। अब बचा ये, आप जो देख पा रहे होगे, 25%, 25% आईपीओ के लिए रिजर्व है। सब लोग सोचते हैं कि आईपीओ आईपीओ अभी बेच रहे हैं शेयर, बिल्कुल अभी बेच रहे हैं, आप पहले हकदार हो, आपने बिल्कुल इनिशियल टाइम में निवेश किया है, तो आपका एक बड़ा दर्जा हुआ। बात आती है आईपीओ में भी शेयर बेचेंगे तो हाँ, 25% इन्होंने आईपीओ के लिए उसको रखा हुआ है, मतलब रिजर्व करके रखा हुआ है। क्योंकि मान लेते हैं कल, अभी इनके पास एक फैक्ट्री है रसिया में, एक फैक्ट्री है जहां से ये प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, और प्रोडक्शन जो भी स्टार्ट होगा उसके बाद 3 साल का एक रेवेन्यू होता है, जो मैं सभी लोगों को बताता हूँ। यानी कि कोई भी कंपनी आईपीओ में कब जाती है, कोई भी कंपनी लिस्टेड कब होती है, जब वो दिखाए कि हम वास्तव में कंपनी है और हमें ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट है। तो एक बात आती है कि शेयर बिकना कब बंद होंगे, हम यहीं पे ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि शेयर जो सोलर ग्रुप कंपनी बेच रही है वो कब बेचना बंद कर देगी। तो सबसे जो इसका सरल आंसर है, जो आंसर है, अगर आप देखोगे 70 मिलियन डॉलर में से, जो हम आगे भी बताएंगे, 61 मिलियन डॉलर की फंडिंग पहुंच गई है, ये जो 5 महीने बचे हुए हैं, 5-6 महीने, इसमें ये 9 मिलियन डॉलर मिल जाएगा। तो 61 और 9 70 हो गया, जैसे ही शेयर बिकना बंद होगा, यानी कब तक, 2023 लास्ट तक। तो जैसे शेयर बिकना बंद हो जाएगा, इसका मतलब आपको ये पता चल गया, अब भाई कंपनी को जितना पैसा चाहिए था वो पहुंच गया, अब कंपनी ये बैठी, यानी कि अब उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे आपसे अब पैसा नहीं चाहिए, उसका गोल पूरा हो गया, उसको जितना पैसा पहुंचना था वो पहुंच गया। अब बात आती है कि इंटरनल एक्सचेंज क्या है, तो जैसे प्री आईपीओ एक बनाई गई प्रक्रिया है, इसी तरीके से इंटरनल एक्सचेंज भी एक बनाई गई प्रक्रिया है, लेकिन जो डिविडेंड है, जो 3 साल का जो क्राइटेरिया है जिसे वो पूरा करा जाता है, डिविडेंड का प्रोसेस ये अंतर्राष्ट्रीय है, जो क्राइटेरिया 3 साल का ये अंतर्राष्ट्रीय है, आईपीओ में जाना ये अंतर्राष्ट्रीय है, और लिस्टेड अप शेयर जब होता है तो वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोसेस होता है, तो ये सभी प्रोसेस अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन जो प्री आईपीओ है, लेकिन जो इंटरनल एक्सचेंज है, ये एक बनाई गई प्रक्रिया है, मतलब उन्हीं में से उसको सरल कर देना। तो अब बात आती है कि शेयर बिकना बंद होगा 2023 लास्ट तक, ये मेरी बात पे भी निर्भर नहीं करता, ये कुछ डेटा है और फंडिंग के ऊपर निर्भर करता है। तो देखा ये जा रहा है कि हर महीने लगभग 1 से लेकर 1.5 मिलियन डॉलर, और इस समय तो ये मानो कि सोलर ग्रुप में लोग पैसा ये डाल रहे हैं, मतलब बहुत तेजी से, आप एक बार रिफ्रेश करोगे संख्याएं बदलेंगी, रिफ्रेश करोगे संख्याएं, यानी कि हर मिनट, हर सेकेंड, हर घंटा, हर दिन पहुंचता जा रहा है फंड सोलर ग्रुप, सोलर ग्रुप के माध्यम से ही वो सोवल मास में जाता है। अंत में हम आपके सभी के सवाल भी लेंगे। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही शेयर बिकना बंद हुए तो कंपनी दो प्रोसेस चालू करेगी। दो प्रोसेस कौन सी हैं? पहला, वो उसके पास पैसा पहुंच गया, उसके पास फैक्ट्री भी आ गई, अब वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी। और दूसरा प्रोसेस क्या हुआ कि दूसरा प्रोसेस है इंटरनल एक्सचेंज, जहां पे जो पुराने निवेशक हैं, आप हो, हम हैं, किसी ने 2017 में निवेश किया, किसी ने 18 में, 19 में, 20 में, किसी ने अभी 22-23 में किया, तो पहले से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें 4-5 साल हो गए हैं, 2-3 4-5 साल हो चुकी हैं। तो लेकिन आईपीओ लिस्ट की प्रक्रिया तो लंबी होती है, तो कंपनी चाहती है कि आपने बिल्कुल शुरुआती समय में विश्वास किया हमारे ऊपर, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हम जब हमको फंडिंग पूरी हो गई, लेकिन फिर भी हमें, हमारे शेयर को लोग तो चाहेंगे, यानी कि ऐसे समझो कि 20 स्टेज तक आपने तो शेयर खरीद लिया, लेकिन बहुत से लोग होंगे जो नहीं खरीद पाए। एक सवाल ये भी आता है कि 20 स्टेज में लोगों ने, सबने खरीद लिए, बाकी उसके बाद लोग ना खरीदे, तो ऐसा नहीं होता। मान लो आपने निवेश किया 9वें स्टेज में, तो आपने 9वें में ही क्यों किया, आपने पहले में क्यों नहीं किया? मान लो आपने निवेश किया 17-18 स्टेज में या 13वें स्टेज, तो आपने 17-18 में क्यों निवेश किया, आपने पहले क्यों नहीं किया? तो ये प्रोसेस होता है, कुछ लोगों को आज पता है, कुछ को जब शेयर बिकना बंद हो जाएंगे तब पता चलेगा। तो वो कब खरीदेंगे? वो इंटरनल में खरीदेंगे। वो किनसे खरीदेंगे? हमसे खरीदेंगे, लेकिन कंपनी शेयर बाईबैक नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि
देखो, अगर कंपनी बायबैक करेगी तो फिर ये प्रक्रिया ही गलत है, मतलब कि इसके पास कुछ है ही नहीं। हुआ क्या कि अभी कंपनी को पैसे की जरूरत है, हमने उसको पैसा दिया, उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी उसके बाद क्या हुआ कि जो कंपनी है वो बोले कि हम आपका शेयर खरीदेंगे, हम आपका शेयर खरीदेंगे और आपको पैसा देंगे। तो फिर ये तो वही बात हुई, यानी कि इन्होंने पहले हमसे पैसा लिया, अब ये एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कोई किसी को फायदा नहीं, किसी को नुकसान नहीं। इसीलिए कंपनी नहीं खरीद रही, हम लोग खरीदेंगे, हम लोग बेचेंगे और हमारे ही जैसे लोग खरीदेंगे। प्रोसेस क्लियर? यानी कि आप बेचोगे, आप कितना बेचोगे, पूरा नहीं बेच सकते आप, यानी ये कंपनी बताएगी कि 10%, 8%, 5%, लेकिन मिनिमम 10% आप शेयर से अलाउड कर सकते हो। कितने रुपए से? 10 सेंट। 10 सेंट मीन 8.5 रुपए से 10 रुपए के आसपास। अगर आपके पास 4 लाख शेयर है तो आप 40,000 बेच दो, अगर आपके पास 40,000 शेयर है तो 4,000 बेच दो, अगर आपके पास 1 लाख शेयर है तो 1 लाख शेयर है तो 10,000 बेच दो। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपके ऊपर ये होगा कि कितना आप बेच रहे हो या नहीं बेच रहे। लेकिन जो लोग इंटरनल एक्सचेंज में खरीदेंगे वो बहुत महंगा शेयर खरीदेंगे। अगर सोचो इंटरनल एक्सचेंज में मैं आऊं और मैं 1 लाख रुपए के शेयर खरीदूं तो मुझे 10,000 ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अब मुझे तो समय कम लगेगा, समय वेट कम करना पड़ेगा, लेकिन जो आपने समय वेट किया है उसका आपको पैसा मिल गया, ये आपका प्रॉफिट। अब मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, भले ही कम शेयर लिए लेकिन मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो क्या है कि मेरा भी फायदा है, तो मैं इसलिए निवेश करूंगा और मैं भी कंपनी की ग्रोथ देखूंगा, भले ही मैं 20 स्टेज के बाद आऊं, क्योंकि जो 20 स्टेज के बाद आएंगे वो भी ग्रोथ देखेंगे। आईपीओ में जो शेयर खरीदेंगे वो भी 3 साल का प्रोसेस वो लोग चेक करते हैं, कंपनी का कितने साल का कितना प्रॉफिट एंड लॉस रहा, तब जाकर के वो आईपीओ खरीदते हैं। तो कंपनी जो आईपीओ से पैसा उठाएगी उससे वो हो सकता है एक फैक्ट्री भारत में डाले, हो सकता है वो एक फैक्ट्री वियतनाम में डाले, हो सकता है वो एक फैक्ट्री चाइना में डाले, यानी कि वो अपना और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएगी। ये ऐसी परियोजना नहीं है जो केवल रूस देश में ही चलेगी और ठंडी होगी, नहीं, अंतरराष्ट्रीय, जैसे फेसबुक है अमेरिका में भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है, गूगल है या अमेजोन है, ये सभी जगह चल रहे हैं, यानी कि ये ग्लोबली है। तो अंतरराष्ट्रीय परियोजना में निवेश करने का एक अलग फायदा होता है। आप रिलायंस में निवेश करोगे या आप एमआरएफ में निवेश करोगे तो वो केवल भारत में ही चल रहा है, लेकिन इसकी बात अलग है जो अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सोविल मास रूसी इंजीनियरिंग कंपनी, मतलब कि रूस की एक इंजीनियरिंग कंपनी, इंजीनियरिंग में उत्पादन और निर्माण आप समझ सकते हो। तो क्या बनाती है? मास्को में डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विकास विकास यानी कि विभाग, सॉरी। तो एक फैक्ट्री ये मॉस्को में अपना डिजाइन कर रहे हैं जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा, विकसित करती है, क्या विकसित करती है? इलेक्ट्रिक मोटर जो लागत, दक्षता और विश्वसनीय के मामले में सभी विश्व एनालॉग से बेहतर प्रदर्शन करती है, यानी कि लागत भी कम होगी, दक्षता भी अच्छा होगा और विश्वसनीयता यानी कि एक बार लेने के बाद आप इस पे भरोसा करोगे, ये नहीं कि बार बार वो खराब हो रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है। विकसित करती है क्या? प्रक्रिया उपकरण और घटकों को जो विदेशी आपूर्ति पर निर्भर नहीं होने में मदद करते हैं। कैसे? आज के समय में जितनी भी मोटर है आप देखो कि सभी के अंदर मैग्नेट है, तो मैग्नेट आता कहाँ से? मैग्नेट का भारी से भारी जितना भी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन है वो चाइना से आता है, चाइना से कच्चा माल आता है और यहाँ पे ये उसको मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल और ये बना रहे हैं। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान रशिया का हो रहा है, इसमें नुकसान भारत का हो रहा है, इसमें नुकसान और जगह का हो रहा है। सोचो अगर कच्चे माल की जरूरत ही ना पड़े, यही तो स्टार ऑयल डेल्टा की खूबी है, जो मांगे और बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। क्या सोविल मास सेवाओं के लिए उच्च मांग सुनिश्चित करता है? कैसे? ये समझने वाली बात है। आधुनिक दुनिया में इलेक्ट्रिक मोटर्स के बिना मौजूद नहीं हो सकती, यानी कि जो पूरी दुनिया है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स के बिना मौजूद नहीं हो सकती। चाहे वो कार ले लो, चाहे वो हवा में उड़ने वाला प्लेन ले लो, चाहे वो रेल पिच चाहे वो आप रेल को ले लो, या आप घर में किसी भी उत्पाद को ले लो, यानी कि क्या है कि आधुनिक दुनिया इलेक्ट्रिक मोटर्स के बिना मौजूद नहीं हो सकती। उनकी कुल संख्या का 80% इंडक्शन मोटर है, यानी कि दुनिया में जितनी भी मोटर है तो अगर हम 100% में डिवाइड करें तो 20 को अलग कर दो, लेकिन 80% जितनी भी मोटर है वो इंडक्शन मोटर है। ये ठीक वही है जो सोविल मास विकसित करता है, यानी कि सोविल मास भी इंडक्शन मोटर के क्षेत्र में ही काम कर रहा है। इंडक्शन मोटर के बारे में तथ्य, 90 अरब से अधिक संचालित, आज के समय में 90 अरब से ज्यादा इंडक्शन मोटर मौजूद है एक डेटा के अनुसार।
उनकी टूट फूट 80% से अधिक है, यानी कि हर साल ये तो होना ही है। वे पूरी बिजली का 60% से अधिक उपभोग करते हैं। मतलब समझने वाली बात है कि ये कोई मामूली प्रोजेक्ट है ही नहीं। मतलब ये जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसमें इंडक्शन मोटर है, और इंडक्शन मोटर जो ऑलरेडी है और इसने जो अलग से पेश किया है एक नई दुनिया को, तो उसमें अंतर क्या है वो हम आगे चलेंगे। लेकिन मेन बात ये है कि पूरी दुनिया में, भारत में, अमेरिका में, रसिया में, न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान में, या हम किसी भी कंट्री को ले लें, पूरे 200 देश या जितने भी, अगर हम उनको लें और एक डेटा निकालें कि सभी देशों में कितनी बिजली बनती है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो 100% में पता चलेगा कि 100% तो बनती है, लेकिन 60% कहाँ जाता है और 40% कहाँ जाता है। 60% केवल और केवल जाता है इंडक्शन मोटर में, यानी कि मोटर के द्वारा ही उस बिजली की खपत होती है जो 60% की ओर इशारा करती है। लेकिन क्या हो अगर, ये बहुत बड़ा डेटा है, मतलब जो 60% है ये बहुत ज्यादा जा रहा है, लेकिन अगर सोचो कि दुनिया में जितनी भी इंडक्शन मोटर है वो कन्वर्ट हो जाए सलवांकिया के साथ, और उन्हें होना ही होगा जो हम आगे आपको बताएंगे, तो जितनी भी मोटर हैं अगर वो कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वो सलवानकिया के जैसा ही अपने आप को बनाना स्टार्ट करें, तो जो ये 60% दिख रहा है इससे आप 18% कम कर दो, यानी कि औसतन 20% कम कर दो, तो कितना हो गया 40%। तो ये जो 20% जो बचत हुई है ये बहुत बड़ी है। कैसे है अभी हम बताएंगे। इंडक्शन मोटर का बाजार बहुत बड़ा है और इसमें इनोवेशन की जरूरत है, मतलब इनोवेशन की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में बिजली की खपत बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, ग्रह के संसाधन समाप्त हो रहे हैं और मिट्टी, वायु, जल प्रदूषित हो रहा है। जैसे आपको पता होगा कि पहले डीजल से कार इंजन, एक इंजन ऐसा डिजाइन किया गया जो डीजल से चलता था, उसको और बेहतर किया गया और अपडेट किया गया तो वो पेट्रोल से चलता है। अभी क्या है कि इंजन इस तरीके से बनाए जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक से चले, लेकिन इलेक्ट्रिक से चले कैसे, वो इलेक्ट्रिसिटी ही ज्यादा ले रही है, यानी कि वहां पे ज्यादा खपत हो रही है। लेकिन अगर वही इंजन डिजाइन करे सलवानकिया, अगर डिजाइन करे सोविल मास कंपनी, तो वो जो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या ज्यादा ऊर्जा लग रही है वो उसके बजाय बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए मतलब अगर हम निवेश की बात करें तो तेजी से जा रहा है। जिन लोगों ने इसको समझा है तो वो पूरे विश्वास, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अब पूरी तरह से पक्का प्रोजेक्ट हो गया। कैसे अभी हम उसके बारे में भी चलते हैं। हाँ, मैं कहाँ पे था? ठीक है, तो जो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हो, दिमित्री एलेक्जेंड्रोविच ड्यूनोव, यही सोविल मास के निर्माता और यही सोविल मास यानी सलवानकिया टेक्नोलॉजी को बनाने वाले हैं। संयुक्त वाइंडिंग टेक्नोलॉजी सलवानकिया के डेवलपर, रिसर्च और उत्पादन एंटरप्राइज ओओओ AS और PP के निर्माताओं में से एक है। और दिमित्री डोनोव ने क्या प्रस्तुत किया है? दिमित्री डोनोव ने इस डेल्टा और स्टार को कंबाइन, जिसे बोला गया है संयुक्त वाइंडिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आम हम अगर बताएं कि नॉर्मल प्रकार की जितनी भी मोटरें हैं, या चाहे वो इंडक्शन में ले लो, किसी में ले लो, वो या तो डेल्टा या तो स्टार, लेकिन इन्होंने जो संयुक्त वाइंडिंग टेक्नोलॉजी जिसको नाम दिया गया है सलवानकिया, ऐसा करने से ही इन्होंने हम कह सकते हैं कि इस उद्योग जगत में एक क्रांतिकारी काम कर दिया है, और इसका जो कि आप देख ही पा रहे हो, मतलब जो हम समझाने की कोशिश करते हैं विस्तार से। हाँ, इसको आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। सोलर ग्रुप, सबसे पहले ये पहला वाला देखो जहाँ पे स्टार डेल्टा, मेरा एरो को आप देखना। सोविल मास मोटर्स विश्व एनालॉग से बेहतर प्रदर्शन क्यों करते हैं? वे सलवानकिया तकनीक पर भरोसा करते हैं 60 वर्षों से। अब ये देखना, 60 वर्षों में इलेक्ट्रिक मोटर्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा इनोवेशन ही है यानी स्टार और डेल्टा। तो क्राइसिस इंडक्शन इलेक्ट्रिक मोटर्स में एक प्रकार की वाइंडिंग होती है, मतलब जो नॉर्मल प्रकार की मोटर है उस इंडक्शन मोटर में एक ही प्रकार की वाइंडिंग होती है, स्टार या डेल्टा, लेकिन सलवानकिया के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दोनों वाइंडिंग प्रकार को जोड़ती है। तो ये क्या हुआ, इनोवेशन के निर्माता रूसी इंजीनियर मिस्टर दिमित्री दुनोव है, वह इलेक्ट्रिक मोटरों के विभिन्न प्रकार और आकारों के लिए कंबाइंडिंग वाइंडिंग का उपयोग करने के सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट और पेटेंट करने वाले पहले व्यक्ति थे। जैसे
जैसे कि मुझे नहीं पता कि सेम जितनी मुझे जानकारी है लगभग लगभग सभी को जानकारी होगी कि ये होता क्या है, स्टार डेल्टा होता क्या है, लेकिन जो कोई टेक्निकल पर्सन है जो इसी फील्ड में वर्क किया हो वो समझ जाएगा कि स्टार क्या है, डेल्टा क्या है, कंबाइन करके क्या रिजल्ट बनता है, वो उसको बेहतर समझ में आएगा। सलवानकिया कंबाइंडिंग वाइंडिंग वाली इलेक्ट्रिक मोटर निम्नलिखित मामलों में अपने वैश्विक समकक्षों से बेहतर है, कैसे बेहतर है? अब ये मतलब ऐसा करने से स्टार डेल्टा यानी कंबाइन करने से क्या होता है, 40% तक कम ऊर्जा खपत सबसे पहला, और इसको टेस्ट किया गया है कई अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, कई अलग अलग इंजीनियर द्वारा जो इसी फील्ड में है, कई अलग अलग लेबोरेटरी और साइंस से रिलेटेड मतलब जितनी भी लेबोरेटरी है उनमें इसको पहले से ही जांच किया गया है। 40% तक कम ऊर्जा खपत, उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली 30% तक कम धातु, समान आयाम में अधिक शक्ति, लंबी सर्विस लाइफ यानी कि एक बार लेने से ही काम, और कम शोर और कम खपत, कम कंपन, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसने उसमें लिखा हो कि बिल्कुल कंपन या बिल्कुल शोर नहीं होगा, लेकिन अन्य से कम होगा यानी दूसरों से कम होगा। और सबसे एक अच्छी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप जानते होगे फोर्ब्स मैगजीन मैगजीन, तो उसमें इसके बारे में पहले ही वहां पर इंट्रो हो चुका है, यानी कि ये बहुत बड़ी काबिले तारीफ होती है कि अगर फोर्ब्स मैगजीन आपकी टेक्नोलॉजी या आपकी कंपनी आपके बारे में अगर बताती, तो ये मतलब एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। तो हम आगे चलते हैं, सलवानकिया का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है? अधिकांश प्रकार की इंडक्शन इलेक्ट्रिक मोटर कंबाइन वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ इसका हम उपयोग कर सकते हैं? उद्योग जगत में, कृषि क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट में, सैन्य उपकरण, यानी कि सैन्य उपकरण मीन्स जो फौज या उनमें इस्तेमाल होने वाले होते हैं, सिविल अनुप्रयोग या विमानम जो जमीन से ऊपर उड़ने वाले जितने भी विमान हैं, हाईटेक वैज्ञानिक क्षेत्र, इसके अलावा खाद उद्योग, इसके अलावा मनोरंजन फील्ड, यानी कि जितनी भी ऐसी जो चीज है मतलब जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो इसी चीज से मतलब हम कह सकते हैं कि उन सभी में इंडक्शन मोटर लगती ही है। और सोचो अगर उन्हें उससे बेस्ट मिलेगा, उन्हें उससे सस्ता मिलेगा, उन्हें उससे बेहतर मिलेगा, तो मैं हमेशा क्या बताता हूँ, या तो अपने प्रोडक्ट को बेहतर कर दो या सस्ता कर दो, अच्छा कर दो यानी विश्वसनीयता बढ़ा दो, तो इससे होगा क्या कि आप मार्केट कर लो। और यही है मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि अभी तक सोलर मास का या सोलर मतलब किनके साथ कोलाबरेशन हुआ या किसके साथ वो हुआ, हमें किसी की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी, बस आने तो दो, अभी जो हम बताएंगे ये आगे कहानी उसी में क्लियर हो जाएगा, बस हमें थोड़ा सा आने तो दो। तो इलेक्ट्रिक मोटर पर सलवानकिया लगाने के दो तरीके हैं, क्रोसिस वाइंडिंग को कंबाइंडिंग वाइंडिंग के बदले, और शुरू से ही एक कंबाइंडिंग वाइंडिंग मोटर डिजाइन करें, यानी कि जो और प्रकार की मोटर है वो उनपे जोर तो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि कैसे भी करके इलेक्ट्रिसिटी कम जाए, एक ऐसा इंजन बने इलेक्ट्रिसिटी कम जाए, लेकिन जब वो स्टार्ट और डेल्टा करेंगे तभी, और वो अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें अपना सारा पुराना जो कह सकते हैं कि जो मशीनीकरण है उसको बदलना होगा, चाहे ये तो नुकसान में, यानी कि ये हमारे लिए फायदा है उनके लिए नुकसान, क्योंकि उन्हें अपने आप को पूरी तरह से बदलना होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे, इस चीज को देखो आप, इंडक्शन मोटर और विश्व में उसका स्थान, जस्ट मिनट, देखो पता है मैं इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इस टेक्नोलॉजी को लेकर क्यों हूं, कारण सिर्फ यही है, कारण सिर्फ एक है कि अब ये हो जाएगा, यानी कि अब अगर शक कर रहे हो तो संदेह कर रहे हो तो या तो जानकारी नहीं है और या फिर कुछ गड़बड़ होने वाला है, यानी कि होता ना कि मौका हाथ से चला गया, पता होते हाथ से चला गया, तो मैं चाहता हूं कि जोर दे डालो, मतलब अगर आप पैसा निवेश कर रहे हो तो इसकी वेबसाइट, पीडीएफ या कंपनी के मैनेजमेंट से बात करना, जूम मीटिंग में सवाल जवाब करना, कुछ भी, अगर मुझे नहीं आएगा, मुझसे नहीं मतलब मुझसे पूछते हो मुझे नहीं आता है, तो हम वही सवाल आपको अगली जूम मीटिंग में या फोन कॉल के द्वारा कैसे भी करके हम आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा इस चीज को समझना शुरू कर दो। इसके बाद अब हम चलते हैं इंडक्शन मोटर और विश्व में उसका स्थान, 10,000 प्रकार की यानी 10,000 किस्म की इंडक्शन मोटरें, अब हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, वार्षिक 7 अरब मोटरों का उत्पादन होता है और मरम्मत के लिए जाती है, इंडक्शन यानी कि 7 अरब मोटरों का उत्पादन होता है,
तीसरा क्या है कि विश्व की 60% इलेक्ट्रिक ऊर्जा इंडक्शन इलेक्ट्रिक मोटरों द्वारा खपत की जाती है, यानी कि 60% पूरी दुनिया में जितनी बिजली बनती है वो 60% यहाँ जाती है। अब सबसे मेन सवाल, पृथ्वी ग्रह के प्रत्येक निवासी के लिए 11 इंडक्शन मोटरों की जरूरत पड़ती है, मतलब चाहे आप हो या मैं हूं या कोई भी इंसान हो जो पृथ्वी पे है और जीवित, हाँ बस वो पर्वतों पे ना जाए। तो पृथ्वी ग्रह के प्रत्येक निवासी के लिए 11 इंडक्शन मोटर, 11 इंडक्शन का मतलब क्या है कि आप घर में हो, आप फ्रिज है तो वही यूज हो रहा है, अगर आप नीचे बाइक से जाते हो तो वो यूज हो रहा है, आप कहीं पे जाते हो बस से ट्रेवल करते हो तो वही यूज हो रहा है, यानी इंडक्शन मोटर, यानी कि आपको अपने पूरे जीवन में 11 इंडक्शन मोटर की जरूरत पड़ती है, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी बात है। तो हम थोड़ा सा इस प्रोसेस को जल्दी करते हैं चूंकि समय कम है लेकिन डेटा बहुत है। सर्वांक्या एक्शन में पारंपरिक मोटरों को कंबाइंडिंग वाइंडिंग मोटरों के बदलने के बाद तकनीक ने कैसा प्रदर्शन किया, यानी कि जब वो अपनी मोटर को इसमें लगाते हैं जो भी आज के व्हीकल हैं तो क्या रिजल्ट आता है। खदान में मोटर मरम्मत के बाद नामित शक्ति में 26% से अधिक की वृद्धि। माइन अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो बिना गर्म किए सामान्य, यानी कि 5 के बजाय जो जब इसमें उन्होंने अपने इंजन के द्वारा इसको बनाया जो आप सामने देख पा रहे होगे, तो 5 के बजाय 11 गाड़ियों को खींच सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो 2 गुनी शक्ति आ जाती सिर्फ और सिर्फ उस चीज को बदलने से ही, स्टार डेल्टा के खेल से। कारखाने में नाली पंप यानी कि कुल ऊर्जा बचत जो आप सामने देख पा रहे होंगे, हाँ मुझे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, और इसके अलावा जो कामाज मास्टर जनरेटर की शक्ति में 30% की वृद्धि हुई। तो हम खैर अगले पे चलते, एक नीचे और है गोल्फ, हाँ मेन से चार्ज किए ही सोलर पावर से चलने में सक्षम हो गई, यानी कि ये क्या है, ये गोल्फ कार्ट है, और गोल्फ कार्ट है ये, मतलब हम कहें कि जो नॉर्मल तरीके से ये चलती है लेकिन जब हम अगर इसमें इंडक्शन मोटर को जोड़ रहे हैं तो फिर ये मेन से चार्ज किए बिना ही सोलर पावर, यानी कि डायरेक्ट हम चार्ज इसको ना करें, सिर्फ सोलर की प्लेट के जरिए उससे ऊर्जा से, यानी कि कम से कम ऊर्जा से ये सक्सेसफुल चल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ग्रह और हमारा जीवन कैसे बदलेगा, सर्वांक्या के साथ मोटरों का व्यापक उपयोग के साथ बिजली हो जाएगी सस्ती, क्योंकि डिमांड और सप्लाई, जितनी ज्यादा मांग होगी उतनी ज्यादा प्राइस, और जितनी अगर कम मांग होगी तो उससे ग्रह भी सुरक्षित रहेगा, यानी कि उन कंपनियों पे जोर नहीं पड़ेगा और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाओ या गवर्नमेंट या जिस पर भी जिससे पॉल्यूशन हो रहा है। उपकरणों की सर्विस लाइफ में वृद्धि होगी, यानी कि जो उपकरण है उन्हें हर साल या कुछ ही महीनों में सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उनकी लाइफ लंबी होगी। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट अधिक सामान्य हो जाएगा, महानगरों में हवा स्वच्छ होगी। तो इसका मतलब है कि हम इस कंपनी में निवेश करके पैसा ही नहीं कमा सकते, हम यहाँ पर अपनी दुनिया को भी बचाने में कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट ड्वेनोप की मोटरें आपके लिए अवसर, क्या अवसर है, हाईटेक इंजीनियरिंग कंपनी और सोविल मास के आप सह मालिक बन सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। इसके अलावा कंपनी के मुनाफे से लाभांश प्राप्त कर सकते हो, इसके अलावा ग्रह के पर्यावरण का ख्याल रख रहे हो आप ऐसा करें। अब बात आती है ये जो ये मैंने आपको प्रोजेक्ट टीम, यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ आने की कोशिश करो, प्रोजेक्ट टीम दिमित्री ड्वेनो, प्रोजेक्ट के लीडर डेवलपमेंट इंजीनियर सर्वांक्या तकनीक के निर्माता, इनका क्या कहना है, प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय बन गया है, यह राजनीति से बाहर है और साथ ही पृथ्वी ग्रह के सभी निवासियों से संबंधित है, पृथ्वी ग्रह के पूरे जितने भी निवासी हैं उन सभी से संबंधित है, क्योंकि हमारी दुनिया इंडक्शन मोटर के बिना अकल्पनीय है, आगे सोच नहीं सकते, आगे आविष्कार नहीं किए जा सकते अगर ये ही ना हो, तो ये मोटर ही ना हो, चाहे वो इंडक्शन हो या वो इनकी मोटर हो। हालांकि देखो हर एक का प्रोसेस होता है, जैसे अगर हम बात करें कि हवा से बिजली बनती है, हाँ बनती है, किससे बनती है, पवन टरबाइन के माध्यम से, लेकिन एक आविष्कारक सामने आ खड़ा हुआ जो कि जिसका नाम है वीटर, और वो अपनी एक ऐसी इमारत को बना रहा है जो उसमें दोष थे, जो उसमें समस्याएं थी उनको उसने दूर कर दिया, और वो हम शहर में ही लगा सकते, या हम किसी चीज को भी ले लें, मतलब अपडेट के बाद अपडेट होना ही होता है, और जो ऐसा कर देता है यानी कि या तो आविष्कार कर दो या पुरानी टेक्नोलॉजी में सुधार कर दो,
अमीर बन जाओगे। अब हम तो आविष्कार भी नहीं कर सकते और हम पुरानी टेक्नोलॉजी में सुधार भी नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे मिल गया है जिसका नाम है दिमित्री डोइनोव। तो उसने क्या किया, उसने पुरानी टेक्नोलॉजी में सुधार किया है। जो सुधार है वो बहुत बड़ा है, वो एकदम क्रांतिकारी है, हम बोल सकते हैं उद्योग जगत में इस क्षेत्र के। तो अब ये तो पक्का है कि इसने सुधार किया है, पूरी दुनिया इसकी ओर झुकेगी तो ये अमीर हो जाएगा, इसकी कंपनी सफल हो जाएगी। लेकिन हमारा तो यहाँ पे अब हमने पैसा लगा दिया, हम ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन हमने पैसा लगा करके इससे हाथ मिला लिया। तो होगा क्या कि जब इसकी कंपनी सफल होगी, जब मिस्टर दिमित्री डोनोव की कंपनी सफल होगी, तो ऑटोमेटिक मेरा पैसा सफल हो जाएगा, आपका पैसा सफल हो जाएगा, और उस पैसे के सफल होने की वजह से हम सफल हो जाएंगे, हम सभी सफल हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है। मुझे याद नहीं वो एक पर्सन उनका नाम है, उनका कहना है कि मैं खुद की कंपनी नहीं बनाऊंगा और मैं खुद का बिजनेस भी नहीं करूंगा। मतलब जब उनके घर वालों से ऐसा, वो घर वालों ने कहा कि कुछ ना कुछ करो, तो उन्होंने कहा ना तो हम खुद की दुकान खोलेंगे, ना खुद का बिजनेस करेंगे, ना खुद की कंपनी बनाएंगे, हम खुद का कुछ करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया में पहले से इतनी शानदार शानदार कंपनियां हैं जहां हम निवेश करके उनके हिस्सेदार बन सकते हैं, उनके सहमालिक बन सकते हैं, तो फिर हम अपनी कंपनी चलाने में क्यों माथापच्ची करें? ये उनका कहना था। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, ऐसा करने से भी हम आगे सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति होशियार था, उसने तो भाई देखो, उसने तो टेस्ला बना ली, हम तो टेस्ला बना नहीं सकते, तो अब हम तो गरीब रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने टेस्ला बनाई वो इसलिए अमीर हो गया, लेकिन जिसने भी उस कंपनी में निवेश कर दिया, सह मालिक उसके बन गए, तो ये लोग भी अमीर हो गए। तो ये सब क्या, ये सब क्रिया होती है, प्रोसेस होते हैं, तरीके होते हैं, इनमें समय लगता है। ये केवल उस तरीके से काम करता है जैसे आप एक बीज से एक पेड़ में कन्वर्ट होते हुए देखते हो, उसमें इतना समय लगता है। तो हम आपको उसके बारे में भी बताएं। तो ड्विनोक की जो मोटर है, सोलर ग्रुप का वर्तमान प्रोजेक्ट, यानी कि ये सोलर ग्रुप कंपनी का वर्तमान प्रोजेक्ट है। सोलर ग्रुप की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सोलर ग्रुप सिर्फ एक वित्तीय फाइनेंसिंग कंपनी है जो स्टार्टअप को फंडिंग करती है। तो ड्विनोव असली प्रोजेक्ट है, सोविल मास असली प्रोजेक्ट है, यानी कि सोविल मास असली प्रोजेक्ट। तो सोलर ग्रुप आज इसको पैसा दे रही है, कल किसी और को दे, यानी कि कल वो किसी और के लिए काम करेगी, लेकिन जो इसको पैसा मिल गया है, फिर ये अपने असली प्रोसेस में आएगी। लिस्टेड कौन होगा? सोविल मास। आईपीओ किसका आएगा? सोविल मास। आपके पास सर्टिफिकेट कौन सा मिलेगा एक्सचेंज होने के बाद? सोविल मास। वो कब होगा, कैसे होगा, हम उसके ऊपर चलते हैं। जस्ट मिनट, ठीक है। हाँ, सोविल मास निवेशक निवेश का उपयोग कैसे करता है, यानी कि बात आती है कि जो आप पैसा देते हो उससे ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी क्या करती है, आधुनिक उपकरण खरीदती है, यानी कि जो भी मशीनें हैं, उपकरण हैं, तो उनको खरीदना होता है, और कास्टिंग का खर्चा होता है, परीक्षण करना होता है, वाइंडिंग क्षेत्रों और प्रयोगशाला को सुरक्षित रखना होता है, उनका रेंट देना होता है, क्योंकि पहले इसका जो ऑफिस था वो रेंट पे ही था, पहले सभी का था, गूगल फेसबुक या चाहे जिसका ले लो। उपकरण मूल्यांकन करता है, और यानी कि मोटर परीक्षण प्रयोगशाला तैयार करना, बिल्कुल। दूसरा क्या है कि पेटेंट प्राप्त करता है, यानी कि जो भी ये आविष्कार करेंगे, जो भी कुछ अच्छा या नया करेंगे, तो उसके ऊपर पेटेंट प्राप्त करना। इनोवेटिव विकास करता है, पेटेंट का मतलब होता है इनकी कंपनी, इनके प्रोजेक्ट के नाम की, टेक्नोलॉजी की, प्रोडक्ट की कोई नकल नहीं कर सकता इनकी अनुमति के बिना। इनोवेटिव विकास करना। सोविल मास डिजाइनर और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विभाग DNE, यानी कि जो फैक्ट्री है उसका निर्माण करता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद सोविल मास के इनोवेटिव विकास, कंपनी ने केवल जो फैक्ट्री कंपनी ना केवल केवल फैक्ट्री का निर्माण ही नहीं कर रही, बल्कि यह भी विकसित किया है। क्या क्या है? विभिन्न आयामों और टैक्सन और औद्योगिक कंबाइंडिंग वाइंडिंग इलेक्ट्रिक मोटर, बिना चुंबकी वाला हब मोटर। दुनिया में ऐसी कोई मोटर है ही नहीं जो बिना चुंबकी, आप एक बार सर्च करना। लेकिन ये क्या, बिना चुंबकी वाली हब मोटर, ऐसा इन्होंने किया नहीं, ऐसा ये कर रहे हैं। हैंडहेल्ड पावर टूल्स के लिए एक
अंतर्निर्मित इलेक्ट्रिक मोटर। अच्छा एक सवाल और आता है कि इनकी मोटर अभी तक कहाँ यूज हो रही है, कहाँ चल रही है, कहाँ कौन सा व्हीकल में लगी है, या कौन सा देश इसको चला रहा है, या कौन यूज कर रहा है। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है। अभी ये उस प्रोसेस से गुजर चुकी हैं जहां इन्होंने अलग अलग व्हीकल में अपनी मोटर को उनकी जगह ऐड कर करके और उसमें अंतर देखा कि क्या है, कौन सा बेस्ट। तो ये हर बार एक यानी कि कह सकते हैं कि ये विजेता हैं, चूंकि इनके पास अद्भुत टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब आप कुछ ही समय में देखोगे, जब ये प्रोडक्शन करेंगे, जब ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जब इनकी जब ये मार्केटिंग करेंगे, तब आप देखोगे कि इनके प्रोडक्ट चाइना में सेल होंगे, भारत में भी सेल होंगे, रसिया में भी सेल होंगे, अलग अलग कंट्री में सेल होंगे, और हर जगह जब आप देखोगे, और उससे जो आपको इनकम आएगा, बस वही तो डिविडेंड। बिल्कुल, तो सामने जो आप देख पा रहे होगे, आप एक असली व्यवसाय में पैसा लगा रहे हो। मतलब ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि आपने इतने शेयर ले लिए, उसने बोला था लिस्टेड हो जाएगी। नहीं, लिस्टेड होने का भी प्रोसेस होता है, कंपनी जो काम करती है उसका भी प्रोसेस होता है, उन सभी प्रोसेस में समय भी लगता है। बीच में लॉकडाउन, कोरोना महामारी जैसी कोई समस्या आ जाए, उससे भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि उस समय कंपनी या किसी भी प्रोजेक्ट का काम ही नहीं आगे बढ़ता। तो हो सकता है जो रोड मैप में बताया वो आगे पीछे हो जाए, जो मनी में बताया फंडिंग में वो आगे पीछे हो जाए, और हुआ भी ऐसा, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल चल रही, क्योंकि आप एक असली प्रोजेक्ट पे हो। डुइनोवा मोटर एक मोटर किस्म टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी कि एक मोटर की हम अच्छी पहचान कैसे कर सकते हैं, पावर में, कीमत में, यानी कि वो सस्ती है या महंगी, और विश्वसनीयता में, कि एक बार लेने के बाद ऐसा नहीं मतलब मैं कहूं कि मैं फंस गया। इसके बाद हम विशाल उत्पादन की बात करें, तो ये जो आप मोटर देख रहे हो, आपको लगता होगा कि ये समान है, लेकिन कोई तो 7 किलो की है, तो कोई 13 किलो की है, तो कोई 35 किलो की है, तो कोई 30 किलो की है। इलेक्ट्रिक मोटर मतलब ये सभी के नाम है, DA90S, इलेक्ट्रिक मोटर DA100S, इलेक्ट्रिक मोटर DA100SL, इलेक्ट्रिक मोटर DA112SL। तो ये जो आप देख रहे हो, ये सब क्या है, ये असली व्यवसाय है, ये असली व्यवसाय है। आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक असली व्यवसाय के सह मालिक हो। इसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रिक बाइसिकल के लिए, हब मोटर, जो कि इन्होंने ऐसा किया और ये मतलब उसमें सफल रहे। इलेक्ट्रिक मोटर के इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए हब मोटर, इलेक्ट्रिक कार के लिए हब मोटर, इलेक्ट्रिक रोनाल्ड कैंगू के लिए हब मोटर, यानी कि दुनिया में जितने भी व्हीकल हैं वो हमसे ही होकर के गुजरेंगे या हम उनमें से गुजरेंगे। SOBLMAS D&S यानी कि SOBLMAS फैक्ट्री के सह मालिक कैसे बन सकते हो, लाभ कैसे कमा सकते हो। आप सोलर ग्रुप के निवेश अंश खरीदें, यानी कि सबसे पहले सोलर ग्रुप के निवेश अंश खरीदें, प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए निवेश SOBLMAS में जाते हैं, यानी कि यहाँ से पैसा यहाँ जाएगा SOBLMAS में, SOBLMAS अपने आप को ग्रोथ करेगा। प्रोजेक्ट फंडिंग को पूरा करने के बाद आपके निवेश अंशों को SOBLMAS के अंशों के लिए एक्सचेंज किया जाएगा। देखो ये साइट मैंने बनाई नहीं है, कि कंपनी की ऑफिशियल PDF है, जिसे हर देश का पर्सन देख सकता है और हर भाषा में ये PDF उपलब्ध है। तो जो तीसरे पॉइंट पे है, इस पे फोकस करो एक बार, प्रोजेक्ट फंडिंग को पूरा करने के बाद, प्रोजेक्ट फंडिंग को पूरा करने के बाद, यानी कि जो सोलर ग्रुप SOBLMAS को पैसा दे रहा है, आप सोचते हो कंपनी SOBLMAS है, हमें तो सोलर ग्रुप के शेयर मिल गए, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। नहीं, तो हर चीज का प्रोसेस होता है, वो देखो, प्रोजेक्ट फंडिंग को पूरा करने के बाद आपके निवेश अंशों को, जो सोलर ग्रुप के निवेश अंश हैं, अंश मीन्स शेयर, अंश मीन्स हिस्सा, हिस्सा मीन्स शेयर, सह मालिक, यानी कि आपके निवेश अंशों को SOBLMAS के अंशों के लिए एक्सचेंज किया जाएगा। अभी जो आपके पास सर्टिफिकेट है या जो आप निकाले हो वो सोलर ग्रुप का है, ये तो केवल पहचान साबित करते हैं, असली कंपनी कौन है, SOBLMAS है। जब आपको उसका शेयर मिलेगा तो वो दिस इज रियल, आपका जो हिस्सा होगा। नंबर 4 पे क्या है, आपको अपना लाभ और लाभांश में या अंश बेच, यानी कि आपको अपना लाभ लाभांश में या अंश बेचने, यानी कि या शेयर बेचने से मिलता है। इसका क्या मतलब है, कि जब आप अपने शेयरों को अपने पास रखोगे तो आपको
जब आप अपने शेयर अपने पास रखोगे तो लाभांश मिलेगा, और अगर आप उन्हें बेच दोगे तो आपको उससे शेयर, यानी कि वही बात आ गई कि हम हमारे पास एक घर है जो चार इमारतों से संबंधित, जिसमें चार रूम है, आप उसको रेंट पे उठाते हो तो आप हर महीने पैसा लो, और जब आप उसको बेच देते हो तो एक साथ मोटी रकम आती है। तो सेम टू सेम शेयर रखने से लाभांश, शेयर बेचने से फंडिंग। ठीक है, आप कितना लाभ कमा सकते हैं प्रोजेक्ट में निवेश से? आपकी आय की राशि सोबल मैस के मुनाफे और आपके अंशों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि जितना ज्यादा आपके पास शेयर होगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। लाभांश के लिए आवंटित लाभ का 50% नियमित रूप से निवेशकों को सोबल मास द्वारा भुगतान किया जाएगा। पता है, एक डेटा के अनुसार अगर मैं आपको एक बात बताऊं, सोबल मास जो परियोजना है वो साल में, मतलब जो भी उसका आप देखोगे फैक्ट्री और जो भी, चूंकि औसम है, अगर आप एक चीज नोटिस करना, सोबल मास परियोजना साल में तीन बड़े बड़े ऑर्डर ले सकती है और उसको पूरा करके दे सकती है, साल में तीन बड़े बड़े ऑर्डर, और इन तीन बड़े ऑर्डर से वो पांच, यानी कि सॉरी, वो 50 मिलियन डॉलर अर्न कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि 50 मिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ पर ईयर, मतलब इसका मार्केट इतना बड़ा होने वाला है। और ये क्या हो रहा है, आवंटित लाभ का 50% नियमित निवेशकों को जाएगा, यानी कि सोचो, सोलर ग्रुप ने अगर 100 करोड़, सोविल मास ने अगर 100 करोड़ कमाया तो 50 करोड़ निवेशकों को, अगर सोलर ग्रुप सॉरी सोविल मास ने अगर 200 करोड़ कमाया तो 100 करोड़ निवेशकों का हो गया, यानी कि सोलर ग्रुप के मतलब जिसके पास जितना हिस्सा है, जिसके पास जितना शेयर, ऐसा नहीं कि सबको बराबर बांटा जाए, नहीं, किसी के पास ज्यादा शेयर पर शेयर के हिसाब से ज्यादा उसको लाभ, ज्यादा डिविडेंड, किसी के पास कम तो उसको थोड़ा कम। दूसरा क्या है, आपके पास जितने अधिक शेयर होंगे आपको उतना ही अधिक लाभांश मिलेगा। नंबर 3, कंपनी के अंशों के मूल्य में वृद्धि के साथ साथ उसकी संपत्ति में वृद्धि होगी, यानी कि जब कंपनी का मूल्य बढ़ेगा, एक फैक्ट्री से उसकी चार फैक्ट्री होगी, प्रोडक्शन उसका डबल होगा, ट्रिपल होगा, चार गुना होगा, उसकी जब डिमांड बढ़ेगी, पूरी दुनिया में मांग बढ़ेगी, तो क्या होगा, कंपनी के अंशों के मूल्य में वृद्धि के उसके उसके साथ साथ उसकी संपत्ति में भी वृद्धि होगी, आपका शेयर प्राइस कई गुना होता जाएगा और आप उन्हें बेचकर लाभ कमा सकते हो, एक बहुत बड़ा लाभ। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सोविल मास एक ऐसी कंपनी है जो आपको एक मौका दे रही है, एक दूसरा आय का स्रोत जीवन भर बनाने के लिए बिना काम किए, क्योंकि काम तो आपका और कोई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने पैसे को अपने काम पे लगा दें। ठीक है, हाँ, अब हम बात को मेन मेन बात पे आते हैं, और उसके बाद बस थोड़े से ही समय में हम मीटिंग को भी खत्म करते हैं, लेकिन जो आप बेहद जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसे जरूर सुनते जाओ। कब आप अपने लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, सभी लोगों का सवाल होता है, लेकिन बहुत से लोग ना गहराई पे नहीं जाते। मतलब क्या है कि चार लीडर से उन्होंने बात की, चार किसी लोगों से बात की, उन्होंने कह दिया नहीं सोलर अच्छा है, तो उन्हें बस लग रहा है कि अच्छा है। और दूसरा, उन्होंने चार ऐसे लोगों से बात की जिन्होंने परियोजना के बारे में खराब बोल दिया, तो उन्हें लगा कि हाय मेरा तो रुपया चला गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, और ऐसा ना करने का मतलब, ऐसा आप नहीं करोगे पूरी तरह से आप मजबूत होगे कैसे, जब आपके पास जानकारी होगी कि नहीं अभी तो ऐसा ऐसा चल रहा है। पता है, बहुत सी कंपनी है जो केवल और केवल अफवाह की वजह से ही उनकी मार्केट डाउन हो जाती है, उनके निवेशक शेयर सेल आउट कर देते हैं, उनकी छवि खराब हो जाती है, अनंतता कंपनी दिवालिया हो जाती है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें मजबूत बनना है, यानी कि हमें समझना है हर एक चीज। कब आप अपने लाभ की उम्मीद कर सकते हैं प्रोजेक्ट में निवेशक लाभ अर्जित करना शुरू कर देंगे जब आवश्यक राशि जुटाई जाएगी, यानी कि जो 70 मिलियन डॉलर जो निवेश में आवश्यक है, जब 70 मिलियन डॉलर पूरा हो जाएगा तब निवेशक लाभ अर्जित करने की उनकी बारी आएगी। ऐसे नहीं आएगी कि अभी से किसी ने कह दिया कि सर कब लाभ मिलेगा, उन्होंने कह दिया कि नहीं अभी अभी से मिल जाएगा, 3 महीने में, 6 महीने में, अभी खरीद लो, या 1 साल में मिल जाएगा। हालांकि अब तो करीब है, लेकिन मैं पहले से बता रहा हूं, तो ऐसा
समझो इन सब चीजों को, यानी कि अगर कंपनी को अभी भी पैसा चाहिए जो कि 70 मिलियन डॉलर, तो इसका मतलब ही है कि वो अभी फायदे देने लायक है ही नहीं। जब उसको पूरी फंडिंग मिल जाएगी तब वो अपना अगला प्रोसेस शुरू करेगी, तब वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। तो क्या है कि सोवेल मास मोटरों को विकसित करना और आय उत्पन्न करना शुरू कर देगा जैसे ही उसको 70 मिलियन, रोड मैप में सब कुछ लिखा है, जैसे ही उसको 70 मिलियन मिलेंगे सोवेल मास मोटर विकसित करना शुरू कर देगा और आय उत्पन्न शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 70 मिलियन डॉलर। अब बात आती है कि पहुंचा कितना है। तो आप देखोगे कि 70 मिलियन डॉलर चाहिए, तो 61 मिलियन डॉलर कंपनी के पास इकट्ठा हो चुके हैं, यानी कि 6,11,90,000 डॉलर। और ये कितना है, 7 करोड़ डॉलर। ये कितना है, 6,11,90,000 डॉलर। तो सोलर ग्रुप को बहुत तेजी से पैसा जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, इससे परियोजना का विकास हो रहा है, आगे बढ़ रही है। तो आप जैसे कि देखोगे 2017 में फंडिंग शुरू हुई थी, 2020 में निर्माण शुरू हुआ था, 2017 से लेके 20 तक कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं, प्रोसेस से गुजरी है। पेटेंट प्राप्त करना, बहुत सारी लेबोरेटरी में अपने प्रोडक्ट को चेक करवाना, अपने आप को दुनिया के सामने लाना, अलग अलग टीवी चैनल या मैगजीन में, मतलब जो भी प्रोसेस होती है। तो है क्या कि 2020 में सोवेल मास फैक्ट्री का निर्माण की शुरुआत हुई थी, 2023 में निर्माण का समापन और फैक्ट्री को काम पर लाया जाना। इसका मतलब क्या है कि सब कुछ सही है, पैसा जैसी पूछेगा, और 23 में शेयर बिकना बंद हो जाएगा, और आगे का प्रोसेस क्या है, 2024 में टी मोटर्स को विकसित करने के लिए पहला ऑर्डर। मैंने क्या बोला, 2024 की शुरुआत में क्या होगा, इंटरनल एक्सचेंज। दूसरा क्या है, इंटरनल मैंने क्या बोला, इंटरनल एक बनाई हुई प्रक्रिया है, सेम प्रिया। लेकिन 2024 में दूसरा जो है वो क्या है, वो एक अंतरराष्ट्रीय। तो टी मोटर्स यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर्स को विकसित करने के लिए पहला ऑर्डर 2024। तो अब बात आती है डिविडेंड कब आएगा, तो ऐसे नहीं आता डिविडेंड, जब वो ऑर्डर आएगा कंपनी उसको काम करेगी, पूरा करके देगी। तो 24 से लेकर के 24 लास्ट तक जो भी काम होगा, जो भी काम होगा, उसका फायदा 2024 लास्ट को भी दिया जा सकता है एज अ डिविडेंड, नहीं तो 2025 की शुरुआत में भी देगा। लिस्टेड कब होती है, आईपीओ में कब जाती, जब वो लगातार 3 साल तक लाभ मार्केट से निकालेगी। ऐसा थोड़ी होता हमने कंपनी बनाई और वो लिस्टेड हो गई, उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, और हर चीज एक प्रोसेस होता है। 2025 में क्या होगा, देखो लिखा भी है, मैं तो 2024 तो मैं गलती बोल रहा, लेकिन हाँ रोड मैप से पहले भी काम हो सकता है 2022। लेकिन क्या है कि 2025 में निवेशकों को पहला लाभांश देना। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को पता है कि हम 2024 में प्रोडक्शन करेंगे, हमें जितना भी फायदा होगा उससे हम 2025 में निवेशकों को पहला लाभ दे देंगे, भले ही शुरुआत में कम होगा। अब ये नहीं कि एक शेयर कितने का हो, एक शेयर पे कितना मिलेगा, 1 रुपए, 50 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, नहीं, जितना फायदा उतना डिविडेंड कंपनी को। अब बारी आती है इस चीज को समझने की, एक बेहतरीन चीज को समझने की। और जैसे कि आपको पता होगा कि हम हमेशा पेड़ वाले उदाहरण ही देते हैं, तो अब आप जो एक चीज देख रहे होगे, सोलर ग्रुप पता है अभी कहाँ है? सोलर ग्रुप पहले एक पौधा था, मतलब एक सॉरी एक बीज था। एरो आप देखो एक बार, एरो एक बार देखो, जिसको जाना है वो जाए, मीटिंग छोड़ दे, समय हो चुका है, लेकिन हम फिर भी बताना चाहते हैं, और जिसको सुनना है वो ध्यान से सुने। होता नहीं है कि शुरुआत में कंपनी को जरूरत होती है, अब आपको उसकी जरूरत है, क्योंकि अब वो यहां पर आने वाली है। और जब एक पेड़ को जरूरत होती है शुरुआत में, उसको पानी भी चाहिए होता है, बेचारे पेड़ को सुरक्षा भी देनी होती है, बेचारे पेड़ की जिम्मेदारी भी लेनी होती है, उसके आसपास झांकड़ भी लगाए जाते हैं कि उसको नुकसान ना हो। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। तो अब जब वो खुद कर सकता है, तो अब आपको उसकी जरूरत है कि भाई मौसम आ गया, हमको फल दे। तो क्या है कि पहले सोलर ग्रुप यहां पर था, एक बीज था, फिर वो बीज से एक पीके के रूप में कन्वर्ट हुआ, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पौधा। उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद वो और बड़ा हुआ। अभी पता है सोलर ग्रुप कहाँ है, जादू मैजिक, ये यहाँ पर है, मतलब फल से वो थोड़ा सा पीछे है, वो यहाँ पर, वो ये पौधा बन गया है, एक बड़ा पौधा। जैसे ही वो पेड़ में कन्वर्ट होगा, और कब होगा, जैसे ही प्रोडक्शन शुरू होगा, तो समझ लो भौर आना शुरू हो गया, पेड़ में नहीं भौर आता है फसल होने से पहले, तो जैसे ही भौर आएगा
और की बात क्या होगा कि साल भर मतलब प्रोडक्शन हुआ और 2025 स्टार्टिंग डिविडेंड, यानी कि ये जो आपको देख रहे हैं लाल लाल फल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इनको बेचो, खाओ, रखो, अपनी जनरेशन को खिलाओ, कुछ भी, ये पेड़ आपका हुआ। और पेड़ जनरेशन वाई जनरेशन आपके बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को फल देता रहेगा, छाया भी देगा और फल भी देगा। तो शायद आप मेरी बात समझ गए होगे कि सोलर ग्रुप अब यहाँ आ चुका है। यहाँ आने का मतलब है कि अब सब कुछ सचेत होने वाली बात है, यानी कि सब कुछ समझने वाली बात है, अपने आप को एक्टिव करने वाली बात है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड रुको, इस मीटिंग में हम जरा देख लें। हाँ, हम देख रहे हैं कि काफी सारे लोग हैं। अच्छा ये मीटिंग तो प्राइवेट है, नहीं सरकारी तो है। अच्छा एक चीज हम और बताएं, चलो हम स्काईवे की भी बात कर लेते हैं इसी पेड़ के ऊपर। तो स्काईवे कहाँ पर है? वो भी यहीं पर है जहाँ पे सोलर ग्रुप, लेकिन वो पहले सोलर ग्रुप पहले फायदा देगा, स्काईवे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो कहाँ पे है? यहाँ पे, आप समझना, ये जो चौथे नंबर का पेड़ है फल होने से पहले, स्काईवे भी यही है, सोलर भी यही है, ठीक है, यानी कि दो परियोजना। अब बात आती है कि वीटर कहाँ है, वीटर कहाँ, वीटर यहाँ पर है, ये देख रहे हो, ये मतलब प्रोसेस पता है क्या, ये अगर है तो समझ लो पहले उसको असली में बनना पड़ेगा। अगर वीटर की बिल्डिंग बनी होती हकीकत में तो वो यहाँ होता, लेकिन बनी नहीं है तो यहाँ पर है वीटर। चलो एमएलसी कहाँ है? एमएलसी यहाँ पर है। पी का नजर आ रहा है कि हाँ भाई ये हो सकता है, और पी का नजर आ रहा है तो पेड़ बनेगा। वीटर यहाँ देखो, एमएलसी सबसे पहला जो पौधा है, पी का है, और वीटर यहाँ पर है, सोलर और स्काई भी यहाँ पर है, और ये यहाँ पर जाएंगे। अब आप समझ लो कि कौन पहले फायदा देगा, कौन बाद में फायदा देगा। ठीक है, तो हम फिर से कहेंगे कि आपके पास एक असली प्रोजेक्ट है, जो कंपनी भागती है वो असली नहीं होती है, आपके पास एक असली प्रोजेक्ट है, जिनके पास असली प्रोडक्ट है वो असली प्रोजेक्ट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। अच्छा एक चीज आप ये देख पा रहे होंगे, जस्ट मिनट, मैं एक चीज आपको निकाल करके दिखाता हूँ जो मुझे लगता है कि जरूरी है। मतलब मैं आपको कुछ सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूँ कि आपको लगे कि पेटेंट होते ही हैं, या मतलब जस्ट 1 मिनट। हाँ, मेरे पास बहुत सारे मतलब अलग अलग कंपनियों के पेटेंट है, लेकिन ये फिलहाल मैंने सोलर ग्रुप की फाइल निकाली थी। अब जैसे आप लोगों के पास कैसे बताने जाते हो कि एक कंपनी है, जैसे ये स्काईवे का, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको सोलर ग्रुप। ये देखो ये क्या है, ये सोलर ग्रुप का पेटेंट है। ये किस टेक्नोलॉजी का है, किस पेटेंट का है, ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। ये देखो, ये आप देख पा रहे हो? हाँ थोड़ा सा बस, ये देखो, इसके बाद ये देखो। अब जब हम लोगों के पास जाते हैं तो हमें, अगर हम जाएंगे, क्योंकि हम अगर जाएंगे तो हम उससे ये नहीं कहेंगे कि $100 निवेश कर, नहीं, फिर हमारा जाना ही बेकार है ना। ये मोटर से संबंधित, मतलब हमें उनको अगर हमें दिखाना है कि ये क्या चीज है, ये टोटल जितने भी हमारे पास पेटेंट हैं, जितने भी हमारे पास पेटेंट हैं, ये मोहर लगी हुई, या हाँ ये सोलर ग्रुप की जो इलेक्ट्रिक मोटर जो उत्पादन से रिलेटेड, और ये अब हम आगे चलते हैं पेटेंट के बाद। एक चीज और, एक बार हम दोबारा से लाभ के बारे में जान लेते हैं। जैसे पेटेंट से की बात आती है कि ये सर क्या है, मतलब देखो ये आपको नहीं दिख रहे, लेकिन जो मैंने दिखाया वो मेरे पास एक्चुअल में है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसे आप पूरा PDF में जा करके देख सकते हो, इसे आप निकलवा सकते हो। एक बार फिर से हम एक बार लाभ के बारे में बात कर लें, तो 40% तक बिजली की बचत, उत्पादन में 30% को कम करना। हाँ एक चीज और, जैसे जो नॉर्मल इंडक्शन मोटर है और जो सलवान क्या कंबाइंडिंग वाला है, अगर हम इनमें अंतर करें तो
तो नॉर्मल जो अगर हम रॉ मटेरियल एक इंजीनियर को देते हैं तो जितने रॉ मटेरियल में वो नॉर्मल वाली 3 बनाएगा, लेकिन अगर सलवानकिया वाली वो 4 बनाएगा। अब इसका मतलब आप समझ लो, एक तो कॉस्ट भी कम, लागत भी कम और रॉ मटेरियल भी कम, लेकिन दक्षता उसकी अच्छी। देखो जो मैंने आपको दिखाया था ये पेटेंट पेटेंट से संबंधित, उसके बाद जो मैंने ये दिखाया था ये पेटेंट से संबंधित है। तो अब हम चलते हैं अगला। हाँ एक चीज ये और इसे देखने वाली बात है, सोविलमास विशेष आर्थिक क्षेत्र टेक्नोपोलिस मॉस्को का निवासी है, जेने ग्रांडर इनोवेटिव केंद्र का निर्माण। अब जैसे कि मॉस्को यानी कि मैं 11 सितंबर को मैं मॉस्को जा रहा हूँ, मैं रसिया जा रहा हूँ, हालांकि 16 सितंबर को इसका कॉन्फ्रेंस है, मतलब जहाँ पे हम जाएंगे, फैक्ट्री जो हमने आपको दिखाई उसको हम देखेंगे और सभी कुछ मैनेजमेंट से बात करना, उनसे आगे की इसकी प्रक्रियाएं जानना, प्रोसेस जानना विस्तार से। तो वो कहाँ पर है, ये जो फैक्ट्री है वो मॉस्को में है। अब बात आती है इस चीज की, ये जो आप देख रहे हो निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य, जो पैसा जितना भी जा रहा है वो इसको ही बनाने में लग रहा है, इसको ही बनाने में लग रहा है, और ये लगभग लगभग बन करके तैयार हो भी चुका है। तो मैंने जो बताया कि निवेशक मुनाफा कैसे कमाएंगे, अधिक कीमत पर शेयर बेचकर या लाभांश प्राप्त करके। अब हम बात कर लेते हैं सोविलमास पूंजीकरण की संभावना। माइक्रोसॉफ्ट का शेयर 10 वर्षों के लिए 47 गुना, गूगल के शेयर 16 वर्षों में 10,000 गुना, एप्पल का शेयर 38 वर्षों में 68,749 गुना, अलीबाबा का शेयर तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब देखो ये चीज आ गई जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, SGZ टेक्नोपोलिस मॉस्को भविष्य में इनोवेटिव केंद्र का स्थान 2.1 हेक्टेयर, मतलब यहां पर ये है। अब सोचो क्या क्या हुआ, सबसे पहले पेड़ को काटे गए, जमीन को वो बनाया गया, और ये गवर्नमेंट का मतलब है, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को दिखा करके ये जमीन, मतलब जो सरकार ने दी है कि आप जब तक चाहें हमारी जमीन का इस्तेमाल करके, और उन्हें क्या चाहिए, उन्हें होने चाहिए कि हमारा जो हमारे देश में या जो हमारे शहर में प्रोजेक्ट है उससे सरकार को फायदा, मीन्स टैक्स के रूप में या अलग अलग चीज उसके रूप में। तो उन्होंने दिया हुआ है कि ये आगे चल के मतलब हमारी जमीन का अच्छा उपयोग कर सके। तो हालांकि कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये जो जमीन है वो मिला था सोविलमास को। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सबसे जरूरी, कि अगर निवेश नहीं किया है तो आज कर लो, अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि करूं या ना करूं या बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो तो आज बढ़ा लो। अगर आपको लगता है कि ये परियोजना बहुत अच्छी है और आपको लगता है कि आप इंटरनल एक्सचेंज में शेयर नहीं बेचोगे तो मैं कहूंगा बेचने वाले अभी खरीद लो। तो निवेश करना आपके और आपके परिवार के भविष्य की देखभाल करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, लेकिन एक चेतावनी के रूप में, किसी से उधार लेकर के निवेश करना गलत है, लोन लेकर निवेश करना गलत है, कोई चीज गिरवी रखकर निवेश करना गलत है, और कोई भी ऐसा जोखिम भरा काम करके निवेश करना गलत है। जो आप कमा रहे हो, जो आप बचा रहे हो उस बचे हुए पैसे से, वही आपको निवेश करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक ही परियोजना पे निवेश, मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं हम एक ही पे करेंगे तो वो गलत है, कुछ अगर आप निवेशकों जैसा काम कर रहे हो तो उनके नियम और सूत्रों को भी फॉलो करो, क्योंकि वो ऐसा कर चुके, मतलब उन्हें कहाँ लॉस हुआ कहाँ फायदा, तब जाकर के कुछ नियम और सूत्र बनते हैं कि एक ही प्रोजेक्ट में पूरा पैसा ना निवेश करके अगर आप कुछ अलग अलग अच्छे और सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्टों में निवेश करते हो तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इसी के साथ अभी भी हमारे साथ मैं देख पा रहा हूँ 42 लोग पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं। अब बारी आती है सवाल जवाब की, तो अगर आपके पास सोलर ग्रुप से रिलेटेड कोई सवाल है या सोविल मास से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझे खुशी होगी यदि आप हमसे पूछेंगे।